और आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं लाइव आता हूँ तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ही आता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर दें, बिकॉज़ आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप हेडिंग में ही देखे हूँ, टाइटल में देखे हैं, DEVCE ओलम्पियाड एग्ज़ाम के बारे में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए मैं बात करता हूँ उसको। मेरे स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा मैंने बताया कि आज DEVCE ओलंपियाड एग्ज़ाम 2013, 2023 एंड 24 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो उसका डेट अभी तक दिया नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि 23 एंड 24 का जो है वह कंडक्ट किया जाएगा। आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं आप, वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट ICT जनरल साइंस मैथ्स एंड इंग्लिश। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि देखिए ICT में दो ग्रुप होता है, ICT ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। तो इस तो पहले ही प्रैक्टिस में DEVCE का है, जनरल साइंस भी है, मैथ्स भी है, इस बार जो है DEVCE जो है वह इंग्लिश भी इंक्लूड किया है। तो आप सभी का भी क्वेरी आता था, सर इंग्लिश क्यों नहीं होता है, मैनेजमेंट के तरफ से भी जो है आता था इंग्लिश इंक्लूड करना चाहिए, साथ में पेरेंट्स भी बोलते थे कि नहीं इंग्लिश का भी एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इसी के आधार पर जो है जो DEVCE मैन जो है जो मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया कि इंग्लिश को भी इंक्लूड किया जाए। तो इस सेशन से यानी 2023-24 से इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया है। अभी जो है रजिस्ट्रेशन डेट एग्जैक्ट अभी नहीं आया है, लेकिन आई थिंक दिस वीक रजिस्ट्रेशन डेट भी आ जाएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि ICT जो ग्रुप ICT ओलंपियाड है उसमें आप सभी को जैसे मैं बताया कि दो ग्रुप होता है, 5 to 8 ग्रुप वन एंड 9 to 12 ग्रुप टू। और DEVCE जो है इसका सिलेबस भी शेयर करती है, और जैसे ही सिलेबस जो है वह पब्लिश होती है मैं क्या करता हूँ उसे शेयर कर देता हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं एज ग्रुप जो है ग्रुप वन के लिए है 5 to 8 एंड जो ग्रुप टू है ICT ग्रुप टू का बात कर रहा हूँ मैं, तो वह 9 से लेकर 12 तक है। और जो लेटेस्ट सिलेबस होता है CBSE का जो सिलेबस होता है उसी को फॉलो करता है। तो अब तो ये ICT ओलंपियाड के बारे में हो गया। दूसरा जो आप सभी जानते हैं जनरल साइंस, जनरल साइंस जो होता है वो 8 एंड 9 के लिए होता है, ओनली 8 एंड 9 के लिए होता है, ठीक है। तो इसका भी आप जानते हैं, इसका सिलेबस जो है वह आपका जो CBSE का सिलेबस है वही है इसका। इंग्लिश ओलंपियाड इस बार इंक्लूड किया गया है, और इंग्लिश ओलंपियाड आप देख सकते हैं इंग्लिश ओलंपियाड विल बी कंडक्टेड फॉर क्लास 8 ओनली। अभी इस बार केवल 8 के लिए इंक्लूड किया गया है। इट विल बी एन ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट, क्योंकि ओलंपियाड एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन ही होता है। और आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका 8 का जो सिलेबस है वह सभी स्कूल्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है कि कंप्लीट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 8 बाई 5 दिसंबर 2023। यानी कि आप सभी एक नॉर्मली आप गेस भी कर सकते हैं कि ओलंपियाड एग्ज़ाम कब होगा, तो आई थिंक सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर और जनवरी में आपका ओलंपियाड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में बात कर लूँ तो रजिस्ट्रेशन फ़ी बहुत ही नॉर्मल और जो मतलब कह सकते हैं कि कम है, नॉमिनल है, 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। यदि आप ICT ग्रुप वन लेते हैं, बाकी फिर और साइंस लेते हैं, दो सब्जेक्ट लेते हैं, तो 5 into 5 आपका 2 हो जाएगा। तो यानी कि आप जितने भी सब्जेक्ट लेते हैं तो पर सब्जेक्ट जो है वह आपका 50 रुपीज़ लगेगा। और प्रोसीजर जो है आपको नोटिस क्लास में जब इसका डेट आएगा तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा, 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और रजिस्ट्रेशन टाइम आपके फोटोग्राफ लगते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ये क्लास टीचर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू इनकरेज द स्टूडेंट्स ऑफ, तो स्कूल्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो सभी ध्यान रखें कि जो बच्चे ओलंपियाड एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हैं या जो इस सेशन में लास्ट सेशन में ख़राब किए थे और इस सेशन में चाहते हैं कि आप और अच्छा करें, तो आप तैयार हो जाएं। दिसंबर मंथ में आपका ओलंपियाड एग्जाम होगा, बट विद इन अ दिस वीक यू विल गेट अ इन्फॉर्मेशन कब से कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो सभी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, और जैसे ही सिलेबस आएगा ऑब्वियसली मैं सिलेबस को ज़रूर शेयर कर दूंगा। और रिगार्डिंग ओलंपियाड आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था कि सर सिलेबस क्या है नहीं है,
मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डीएवी जो सीई जो है वह सिलेबस पब्लिश करती है ना, वो आईसीटी का सिलेबस पब्लिश करती है, ठीक है। आईसीटी ग्रुप वन एंड आईसीटी ग्रुप टू का सिलेबस पब्लिश करती है। बाकी यदि बात करें 8 इंग्लिश का 8 मैथ्स का 9 इंग्लिश का सॉरी इंग्लिश तो 9 का है नहीं केवल 8 का है 9 में आपका मैथ्स एंड साइंस है, और लास्ट टाइम जो है स्टैंडर्ड 11 के लिए मैथ्स इंक्लूड किया गया। तो इस सारी चीज़ का सिलेबस जो है वह पब्लिश नहीं करती, बिकॉज ये बाई डिफ़ॉल्ट जो आपका सिलेबस है जो डीएवी सीएमसी जो अप टू 8 का सिलेबस दिया हुआ है वह आपको फॉलो करना है। 9, 10, 11 जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, 9 का जो आपका साइंस एग्ज़ाम होता है, वह सिलेबस आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है उसी को फॉलो करना होता है। सो आई होप, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आया था तो मैंने सोचा कि आप सभी से शेयर कर दूँ। आप यहाँ एक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम 15 सितंबर, ठीक है, 23rd एंड क्लोज ऑन 15 अक्टूबर, तो अक्टूबर में क्लोज हो जाएगा। तो आप सभी रेडी हो जाएं और प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। सो थैंक यू वेरी मच।